मुत्तफिक हूं तो इस पार्टी के हैं। एक बात मैं वाजे कर दूं, मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहले मेंबर नहीं रहा। मेरी फैमिली बेशक काफ लीग से उनका तल्लक था, मेरे भाइयों का, भाई बड़े और छोटे जो अपने एमपीए रहे हैं, मैंने जाती तौर पर सिर्फ पहली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है और वो पीटीआई है। और मैंने हमेशा से कहा था कि मैं अगर किसी पार्टी से नजरियाती तौर पर मेरी हम आंगी है तो वो पीटीआई है। जब भी जाऊंगा पीटीआई में जाऊंगा, इसलिए मैंने कभी काफ लीग से इलेक्शन भी नहीं लड़ा और कभी मैं उसका बाकायदा हिस्सा भी नहीं रहा। सिवाय इसके जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा रहा और वहां पे मैंने थोड़ी बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, लेकिन उसके बाद मैं अपना बिजनेस करता रहा और अपने दूसरे सोशल वर्क में मसरूफ रहा। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैं लेके आया हूं। बाकी आप लोग सारे थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं कि मैं इंशाल्लाह इस पार्टी में आऊंगा और ये इलेक्शन हम जीतेंगे तो पार्टी की इज्जत बढ़ेगी और मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा पहला इलेक्शन है, और पार्टी के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी पिछले बहुत सारे जिमनी इलेक्शन भी अनफॉर्चुनेटली बारे में पार्टी के बारे में इलेक्शन के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं ज्यादा जरूरी है इस वक्त क्लियर करूं, क्योंकि आपने जाके फ्रंट फुट पे ये लड़ाई लड़नी है सोशल मीडिया पे, तो आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही बात है और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, ताकि आप अपने जो मद्दे मुकाबल हैं, जो हमारे हरीफ हैं, उनको अच्छी तरह से सोशल मीडिया पे या वैसे जवाब दे सकें कि हम जो बात कर रहे हैं वो हक की बात कर रहे हैं, वो सच की बात कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, आप लोगों ने किसी ने जो सवाल करना हो वो मैं इंशाल्लाह जवाब देने के लिए।